क्योंकि इलेक्शंस करीब है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुस्तान की कुवत है नौजवान उनको एक्सपर्ट करने में लगी हुई है। ऐसा ही हो क्योंकि पिछले 1982 से इस मुल्क में काम कर रही है, उसका काम हमेशा स्टूडेंट और यूथ को अवेयर करना, उसको प्रिपेयर करना ताकि वो सोसाइटी को आगे ले जा सके। हम देख सकते हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नौजवानों को 2000 रुपये देते हैं या बैनर के ऊपर उनकी फ़ोटो लगाकर उनको बस अप्रिशिएट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवान उनकी ताकत का रियलाइजेशन, वो अपनी ताकत को महसूस करें, और स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो उसी की एक शक्ल। हम स्टूडेंट्स और यूथ को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने डिमांड्स जिस डेमोक्रेसी में बनवा सकते हैं। डेमोक्रेसी के माने सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि वोट डालने के साथ साथ अपना हक मांगना भी है, अपने डिमांड सामने रखना भी है। ये स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टूडेंट्स और यूथ के जो डिमांड्स हैं उसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज के अंदर पेश किया गया है। 3 मेजर हेड्स हैं, एजुकेशन है, नौजवानों के मसाइल है, उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स है, जिसको इस मैनिफेस्टो के अंदर एड्रेस किया गया है। बिल्कुल ब्रीफली कुछ हाईलाइट्स में इस मैनिफेस्टो में जो है आपके सामने रखता हूँ। RTE के जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि RTE के अंदर जो डिमांड्स बताए गए हैं या जो चीज़ें रेगुलेशन बताए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर तरीके से हो। तो ये RTE के अंदर जो नए एडिशंस भी होना है या रिविजन्स होना है उसके साथ साथ RTE के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करने के लिए ऐसे ही हो अपने मैनिफेस्टो में डिमांड करती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो रोटी कपड़ा मकान के साथ में तालीम भी इंसान की ज़रूरत है, ऐसा ही अपने इस मैनिफेस्टो में मंजूर में डिमांड करती है कि RTE के तहत एजुकेशन जो बेसिक फैसिलिटी नीड है लोगों की उसको फैसिलिटेट किया जाए, उनको ऐसे मौके फराहम किए जाएँ कि वो अपने एजुकेशन को सिर्फ 10th तक नहीं बल्कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक भी हासिल कर सके। एजुकेशन के अंदर और एक चीज़ ये है कि UGC के अंदर कई सारे डिविजन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि UGC के तहत PhD के सीट में इजाफा हो, ऐसा हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी लोगों को आसानी फराहम हो, उनके लिए मौके रहें। तो UGC के तहत PhD और MPhil के जो डिग्रीज हैं उसके लिए सीट में इजाफा हो। एजुकेशन के अंदर सिर्फ एक्सेसिबिलिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का भी ऐसे डिमांड करती है। कई सारे मदर टंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर एजुकेशन नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी एजुकेशन की कम होती जाती है। बंदा पढ़ता एक लैंग्वेज में, दिमाग में सोचता दूसरी लैंग्वेज में, फिर पेपर पे लिखता दूसरी लैंग्वेज में, इससे उसकी एजुकेशन की क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आता है। ऐसे ये डिमांड करती है कि जो स्पेशल लैंग्वेजेस है, रीजनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लैंग्वेजेस हैं उसको बाजाबता फोकस किया जाए और उसके अंदर तालीम को बेहतर बनाया जाए। क्वालिटी के अंदर और एक चीज़ ये है कि जितने बच्चों का एक टीचर होगा वो भी डिफाइन करता है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को मिलती है। RTE के तहत में ये बताया जाता है कि एक पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, ऐसे में डिमांड करती है कि वो एक्ट को फॉलो किया जाए, ऐसा ना हो कि एक बच्चे एक टीचर के तहत 40-50 बच्चे हों। RTE के तहत जो रेशियो बताया गया अगर उसको फॉलो किया जाए तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर हम इंश्योर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स खासतौर पर ऐसा हो ये डिमांड मैनिफेस्टो में करती है कि उनको गवर्नमेंट के इलेक्शंस और दूसरे ड्यूटीज़ के अलावा ज़्यादा फोकस टीचिंग पर करना चाहिए। उसके अलावा जो गैर ज़रूरी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट के तहत टीचर्स पर डाले जाते हैं उससे बच्चों का एजुकेशन मुतासर होता है, टीचर्स की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं मार खाती है। तो ऐसे ये डिमांड करती है कि टीचर्स उनके ड्यूटीज़ के बियॉन्ड यूटिलाइज ना किए जाए। इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर कुछ रेगुलराइजेशन के सिलसिले में भी ऐसे डिमांड करती है। हैदराबाद के अंदर खुद आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं कि उनकी फीस की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि पेरेंट्स पर बहुत बड़ा बोझ होता है, और जब पेरेंट पर बोझ आता है तो उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है, बच्चों की तालीम मुतासर होती है। ऐसे ही ये डिमांड करती है कि एक रेगुलराइजेशन और फी कैपिंग का एक एक्ट लागू किया जाए ताकि एक हद से ज़्यादा फीस डिमांड ना की जा सके, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए सारे नौजवानों को सारे तलबों को मौके हासिल। नौजवान आज हिंदुस्तान बनाइए लजीज मज़ेदार निहारी अपने घर। जी हाँ, होटल की तरह मज़ेदार निहारी का मसाला पोटली मसाला। ये है पाया पाया, ये पाया।
SH مینار اسپیشل پوٹلی کا مسالہ اب آپ کے قریبی کرانے شاپ پر دستیاب ہے۔ پایا میاں یہ ہے وہ پایا، خالص حیدرآبادی دکنی پوٹلی مسالہ، جی ہاں خورمہ، پایا، حلیم، ہو کے نہاری، استعمال کیجئے ہوٹل کا مزہ اب آپ کے ہاتھ۔ تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں 9052597377 اور ایک نمبر نوٹ کریں 6301703772۔ 65% نوجوان اور اس کا کثیر تعداد انمپلائڈ، ان کو نوکری نہیں ملتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ برین ڈرین کا مسئلہ ہندوستان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ہندوستان چھوڑ کر باہر نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس کا ایک نگیٹو اثر خود یہاں کی ترقی پر پڑتا ہے۔ اسے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں پر مواقع جاب کے بڑھائے جائیں، گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ مواقع دے تاکہ نوجوان ان کو جابس آسانی سے مل سکے۔ ویکنسیز جو گورنمنٹ جابس میں ہیں اس کو برابر طریقے سے فل نہیں کیا جاتا، اور ریزرویشن کے چکر میں ایسے کئی سارے سیٹس ہیں جو ضائع ہوتے ہیں، جو فل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ڈی ریزرو کیے جائیں اور وہ سیٹس کو فل کیا جائے، ریزرویشن اگر ہوں تو اس کو برابر طریقے سے فل کیے جائیں، اور ایسے نئے جاب اپرچونیٹیز کھولے جائیں تاکہ جو کثیر تعداد نوجوانوں کی اس ملک میں پائی جاتی ہے ان کو جابس حاصل ہو سکے۔ صرف جابس نہیں بلکہ ایسے اپرچونیٹیز اور ایسے اسکلز بھی لائے جائیں تاکہ نوجوان جو آئیڈیاز رکھتے ہیں، کریٹیو آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ اپنا خود کا نیا بزنس کھول سکے۔ آنٹرپرینرشپ کے کئی سارے اسکیمس سروس مینیفیسٹو میں ڈیمانڈ کرتی ہے۔ آخر جو ہیڈ ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انوسنٹ یوتھ کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، سالوں کے بعد میں سب کالے بال سے وہ پکڑے جاتے ہیں، اور سفید بال ان کے جب ہوتے ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہے، اتنے سالوں میں ان کے فیملی پر جو گزری، ان کی عزت کو لے کر جو گھیرا گیا، میڈیا کے اندر ان کو جو بدنام کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو مالی پستی کے اندر وہ لوگ گر گئے، اس کو بھی برابر کیا جائے، ان کو باعزت بری کیا جائے، ان کو سرٹیفکیٹ انوسنس کی دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا یہ بھی ڈیمانڈ کرتی کہ ایسے حادثات پھر سے نہ ہوں، نوجوانوں کو غیر ضروری انوسنٹ مسلم کو بغیر کسی ثبوت کے اریسٹ نہ کیا جائے، اس کے اوپر ایسا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بہت اسٹرکٹ ایکشنس لے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 197 ہے کرمنل پینل کوڈ کا، ایسا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو اسکریپ کیا جائے، اور جو پولیس آفیسرس غیر ضروری جبر کرتے ہیں نوجوانوں پر، اس کے اوپر اس کے اتنا ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے مائنورٹی ڈسکریمنیشن کے جو ایکٹس یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں، وہ یونیورسٹی جہاں پر ملک کی ترقی کے کام کماتا وہاں پر مائنورٹیز کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مائنورٹی ڈسکریمنیشن کے خلاف میں ایکٹس آئے اور ایک باضابطہ ٹیم بنے جو وہ اس کو چیک کر سکے۔ اس کے علاوہ این آر سی کی بل پاس ہوئی تھی، ایسا یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم افیکٹ ہوئے۔ ایسا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ این آر سی کے اندر جو اپڈیٹ کرنے کا کام چل رہا ہے وہ بالکل فیئر طریقے سے اور سٹیزنس کو مواقع ملے جو برابر سے اپنے ڈاکیومنٹس پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ کئی سارے ڈیمانڈ اس مینیفیسٹو میں ہیں، اس کے علاوہ کئی سارے لوکل ڈیمانڈ بھی ایسا ہے، وہ تلنگانہ کے کئی سارے مقامات پر ڈگری کالجز نہیں ہیں، اگر انٹر کالجز ہیں تو اس میں صرف ایک ہی میڈیم کے اندر اور ایک ہی کورس پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے کئی سارے مقامات ہیں جہاں پر اسکول جانے کے لیے، اسکول پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز اسکول اسٹوڈنٹس کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہر ڈسٹرکٹ پر لوکل ڈیمانڈ بھی ایسے تلنگانہ کے وہ بھی اس مینیفیسٹو میں شامل ہے، اور ہر لوکل جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرس ہیں، جو کنٹیسٹنٹ ہیں، ایسے وہ ان تک پہنچنے والی ہے اور ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھنے والی ہے۔ پریس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کو ایسا ایمپلیفائی کیا جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو اڈاپٹ کرنے اور اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ پریشرائز ہوں، وہ اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنے مینیفیسٹو کے اندر اس کو شامل کر سکیں۔ شکریہ۔ آپ لوگوں کے پاس کیا حکمت عملی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپروچ ہونے کے لیے؟ ابھی تو ہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا کر مینیفیسٹو سبمٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سبھی ڈسکشن ہو رہے ہیں کیسا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔
कोई पॉलिटिकल प्रेशर, आप लोग अपनी तरफ से प्रेशर का उनको वार्न करेंगे या प्रेशर हम प्रेशर डालेंगे? कुछ मकामात ऐसे हैं जो इश्यूज हम आइडेंटिफाई किए हैं, खासतौर पर तेलंगाना, तो मेमोरेंडम्स कंटिन्यूसली सबमिट हो रहा है, वहाँ के नौजवानों की एक फोर्स हमारे साथ है, ऐसे उनके कैडर भी है, उसके अलावा आम नौजवान है जो वो इश्यू से अफेक्टेड हैं वो भी हमारे साथ हैं, और उनके साथ में मुलाकातें करने का एक सिलसिला जारी है, उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश है। उसी टाइम सिलसिला ये भी प्रेस मीट रखी गई है आपकी मदद से, और भी प्रेस मीट पता रख सकते हैं। रिसेंटली भी लास्ट टाइम पे असेंबली इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसा ही मैनिफेस्टो था, पब्लिक मैनिफेस्टो के नाम पे, तो वो जो लास्ट टाइम का जो असेंबली इलेक्शन का मैनिफेस्टो था वो उसको किस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज ने सीरियस लिया था? अभी हम लोग, हमारा जो प्रेशराइजेशन का मैकेनिज्म है वो यहाँ पे हम लोग स्टेट लीडर से तो मुलाकात करते हैं, उसके अलावा जो पार्टीज के जो बेसिक लेवल पे हमारा कैडर करीबन हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में उसके जो MP कैंडिडेट्स है, MLA कैंडिडेट्स है, जो MLAs है, उन तक बार बार पहुंचकर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करता है, उनके जरिए से जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करता है। तो उसके अलावा जो आपका जो सवाल है कि हम जो असेंबली इलेक्शंस के तब किए थे, कई इश्यूज़ पे हम लोग ने उसके ताल्लुक से एड्रेस किया है। अभी तो क्योंकि आप देखते हैं स्टेट का बिल्कुल अभी कैबिनेट फॉर्म हुआ, अभी चलना शुरू हुआ, इंशाल्लाह आगे इसके जो नतायज है वो भी देखने में आएंगे। हमारी तो पूरी कोशिश रहेंगी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि अपोजिशन भी हो या फिर जो रूलिंग में भी हो, दोनों से भी कंसिस्टेंटली जो हमारे मुतालबात है, दोनों भी पार्टीज से हमारे मुलाकात हुई, दोनों भी पार्टीज के कैंडिडेट जो मैनिफेस्टोज निकले उसमें बहुत सारे डिमांड्स जो हम लोग डिमांड किए थे वो लोग इंक्लूड किए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किए वो चीज़ों को तो कम अज़ कम पहले फुर्सत में उसको अप्लाई कर कर दिखाए, उसको एनेक्ट करके बताएँ। सर, वो कौन से इशू से जो आपने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में सो अपने मंशूर में शामिल किए, जैसा आप बता रहे कि आपके डिमांड्स थे उसमें, वो कौन से आप कुछ हाईलाइट कर सकते? वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग जो पिछला हमारा मैनिफेस्टो था उसमें हम लोग माइनॉरिटी हॉस्टल्स की बात किए थे, और माइनॉरिटीज़ का जो बजट था उसके ताल्लुक से बात किए थे। जी, आप जो बता रहे माइनॉरिटी हॉस्टल्स पहले से मौजूद उनके मैनिफेस्टो में, इसलिए 2014 से, और रही बात बजट की, बजट बढ़ाने की ना मैनिफेस्टो में कोई बात आई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और न ही अभी जो बजट पेश किया गया उसमें कुछ इजाफा किया गया? और दूसरी बात, आप ये समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का को रिप्रेजेंट करने वाले आपके पॉलिटिकल लीडर्स अपने पार्टी के सुप्रीम कमांडर से बात भी कर सकते हैं आपके मसाइल पे? जो रात है इन लोगों की कि ये हमारे पास डिमांड आ रहा है लोकली, लिहाजा आप अपनी पॉलिसी बनाते वक्त ये चीज़ों को मद्देनजर रखें। आपका जब तक अप्रोच पॉलिटिकल पार्टीज की उन लीडरशिप उस लीडरशिप से ना हो जो पॉलिसी बनाती है, मंशूर बनाती है, आप यहाँ बैठ के अगर कुछ बोलते हैं तो कोई बात तो वहाँ तक पहुँच जी। ये तो हमारे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिकली हमारे पास जो जो भी राइट्स हैं, जो जो भी टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो हमारे टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो, स्टेट लेवल पे भी हो, और नेशनल लेवल पे भी हमारे जो जो तंजीम के जिम्मेदार हैं वो तमाम पोलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारों से मिल रहे हैं, और उम्मीद भी करेंगे कि वो लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो जमहूरियत हमारे को जो अख्तियार देती है, जिस किस्म से हम प्रोटेस्ट करना है, जो अख्तियार हमारे पास जमहूरियत की तरफ से दिए गए हैं वो अख्तियार को हम इस्तेमाल करेंगे, और उनके कोशिश करेंगे कि वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर फिर भी ना करते हैं तो फिर हमारे पास बोर्ड का अख्तियार है, तो जो लोग गद्दियों पर बैठे हैं जिनको चढ़ाना आता है, गद्दियों पर बिठाना आता है, तो उनको फिर गद्दी से उतार लेंगे इंशाल्लाह।